बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक व्लॉग। और ये व्लॉग में क्या बना, इस व्लॉग में मैं क्या करने लगी हूँ वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पे प्लास और पेचकस, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंखा। आज मैंने करना है पंखा साफ, फर्शी पंखा ही मैंने साफ़ करना है। तो मैंने कहा चले मैं फर्शी पंखा साफ़ करने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ व्लॉगिंग की जाए। फिर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से मेरी बहनें हैं जो फर्शी पंखे खुद साफ़ करती हैं, या उनके हस्बैंड करते हैं, या बच्चे करते हैं, या भाई करते हैं। तो मैं शख्स में टेस्ट करके बताएं ये पंखे की क्या हालत हो रही है, इतना गंदा हो रहा है ये पंखा। क्योंकि छत पर हमने लगाए थे तो कूलर बंद कर दिया हुआ, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। तो छत पर हम पंखा लगाते तो मेरे ख्याल में 7 से 8 दिन में पंखे की इतनी बुरी हालत होगी कि जैसे 1 साल हो गया इसको धोया ही नहीं। अब मैं इसकी सफाई करने लगी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और पहले हम इसका ये बुरी इसकी आदत हो रही है, बहुत गंदा हो रहा है। वो मैंने उतार दिया, तो अब इसका ये पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे एक पेच होता है, ये लगा होता है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इसको खोल लेते हैं पहले, पर उतर जाएंगे हम। इसका पंखा तो साफ़ करने लगी हूँ, चलो ब्लॉकिंग कर लेती हूँ साथ साथ। मैं अपनी उन बहनों को दिखा देती हूँ जो फर्शी पंखे गंदे हो जाते हैं, वो आदमियों के इंतज़ार में या हमारे बच्चों के इंतज़ार में पड़े रहते हैं कि वो हमें करके देंगे। हम खुद कर सकते हैं घर के काम, हम औरतें किसी मर्दों से कम तो नहीं है ना, तो इसलिए हम भी कर सकती हैं। तो मैं खुद ही करती हूँ ज़्यादातर ऐसे काम, मैं खुद ही करती हूँ। मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। ये हम औरतों की जिम्मेदारी होती है, घर के हर काम को हम ही ने देखना होता है, हम ही ने संभालना। और ये मैंने पेच खोल लिया, इतना गंदा पंखा हुआ पड़ा है। फर्शी पंखों का यही होता है कि सुकून जहाँ मर्जी उठा के ले जाए और उसको लगा ले। ये आप देखें, ये देखें कितना गंदा है। तो इनको मैं धो लेती हूँ, इनको धो के मैं धूप पे रखती हूँ और फिर मैं इसको साफ़ करती हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ इसको मैं कैसे साफ़ कर। मैंने पानी लगा के रख दिया थोड़ी देर कि वो जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है ना वो उतर जाए, तब तक मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। हमें अच्छा सा साफ़ करना है, एकदम हमारा पंखा जो है ना वो नया लगना चाहिए। और अब मैं यहाँ सर्फ वाला पानी भी इसके अंदर होना चाहिए, खुश कर लें, जब अच्छी तरह निचोड़ लें आप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से कितना बेहतर हो गया है। तो इस तरह हम इनको साफ़ करके अपनी घर की चीज़ों की हिफाजत कर सकते हैं, ना कि हम मर्दों पर डिपेंड हो के बैठे रहें। ये जो जाली है ना बर्तनों वाली से, ये मैं इस तरह ही साफ करूँ। यहाँ पर पानी लग भी जाएगा तो पंखे में करंट नहीं आता, इन जगहों पर पानी की एहतियात करनी पड़ती है। इन जगहों पर पानी में इसके अंदर चला जाए वरना पंखा या तो जल जाएगा, करंट मारना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप अच्छी तरह साफ कर लें, आप इसको मैं कुछ कपड़ा लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप ये कपड़े मैं धो के ले आई हूँ अच्छी तरह, आप इसको एक दफा और साफ करेंगे, फिर मैं आपको इसके अंदर तेल भी डालना सिखाऊंगी। मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा साफ़ होगा। 2-3 दफ़ा मैंने खुश्क कपड़ा ऊपर लगा दिया है, तो अब मैंने पर जो धो के रखे थे ना वो इसके साथ फिट करते, वो खुश्क हो गए हैं। उनको मैंने धो के परों को धूप पे रखा हुआ, साफ़ हो गया, कितना प्यारा हो गया पहले से। ये देखें, लेकिन इसका जो आप ये देख रहे हैं ना पीलापन सा,
ये अगर हम उतारेंगे ना तो ये हाल होगा। ये देखे मैंने उतारा और परों का ये कलर उतर गया, ठीक है, परों का ये कलर उतर गया। तो इसलिए ये वाले जो है ना पीलापन, ये मैंने खुद नहीं उतारा ये वाला, अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो ये कलर सारा उतर जाएगा। तो फिर ये कलर उतर जाएगा और फिर हम कलर वाले के पास लेके जाएंगे, लेकिन जो पंखे का ओरिजिनल कलर होता है वो ओरिजिनल ही होता है। तो यहाँ पे इसको पहले मैं तेल दूँगी, क्योंकि पंखे में होते हैं जैसे मैंने आपको बताया दो बुश होते हैं। और ये दो बुश क्यों होते हैं मुझे कैसे पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हर चीज़ बताते रहते हैं। मैं पंखे को जब भी साफ़ करती हूँ तो वो मुझे बताते थे कि इसके अंदर दो बुश होते हैं, एक यहाँ पर आगे होता है और एक यहाँ पर होता है पीछे। तो पहले यहाँ पे तेल नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पहले तेल डाल दिया फिर इसको इसमें डाला तो ये गिर जाएगा, तेल निकल जाएगा। तो पहले मैं इसके अंदर तेल डालूंगी फिर इसके अंदर तेल डालूंगी। इसके अंदर तेल डाल लेते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग कर देंगे और हमारा पंखा रेडी। जब पंखे के अंदर से आवाज़ें आती हैं ना वो भी नहीं आएंगी, इससे रवा हो जाएगा पंखा और जो स्पीड है ना वो भी माशाल्लाह तेज़ हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे तेल नहीं जाने देना, अगर आप यहाँ पे तेल डालेंगे तो यहाँ पे ये आग लग जाएगी और ख़राब हो जाएगा। तो इसके अंदर तेल डालना है आपने, तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया। तो पहले हमने इसके अंदर यहाँ पे तेल डाला, तो आप इसके अंदर हम यहाँ पे तेल डालेंगे तो इसके बुश ना आगे पीछे वाले वो रवा हो जाएंगे और पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये मैंने तेल, आपका पंखा ज़बरदस्त चलना शुरू हो जाएगा और जो शोर करते हैं ना पंखे वो भी नहीं होगा। तो ये हो गया, हम इसके पर वगैरह लगाते हैं जो हमें फ्रेम मैंने लगा दी हो। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, मैं उन मेरी बहनों के लिए ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, आसान कर रही हूँ, चाहती हैं तो वो इस तरह से आसानी से फर्शी पंखे साफ़ कर सकती हैं। उनके लिए ये मेरी वीडियो आज मेरी उन बहनों के लिए। तो ये देखें यहाँ पर ये एक ढाल सी बनी हुई है इस तरफ, तो यहाँ पर आपने इसको ऊपर कर लेना जब आपने इसके अंदर पर लगाने हैं। तो पर आपको पेच नज़र आ रहा है, ये आपने रख लेना है इसके अंदर। तो अब मैं इसको इस ढाल के अंदर ऐसे आपने पर को लगा देना है। आदमी एक दूसरे को सब चीज़ें बताते हैं तो हम औरतें क्यों ना एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें। तो इसीलिए मैंने कहा जो मेरी बहनों के पंखे गंदे होते हैं ना उनके पंखे साफ़ करने का तरीका उनको सिखाती हूँ आज सबको। और इसी बहाने में छोटी सी आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग भी हो जाएगी मेरी। अच्छी तरह पर टाइट हो जाएगा तो फिर पर निकलने का ख़तरा नहीं होगा आपको। तो आप मेरी बहनों मुझे लाजमी बताना किसने मुझे देख के अपना फर्शी पंखा साफ़ किया और वो कामयाब हुई। तो यहाँ पे ये देखें पर लग गए एकदम टाइट, ये देखें ऐसे टाइट होना चाहिए। अब इसका आगे वाला छज्जा लगा देते हैं, यहाँ से पकड़े और यहाँ पर लगा दें। काफ़ी साल हो गए मेरे इस पंखे को और ये मेरी फ्रिया ने ये तोड़ा आगे से। मेरी फ्रिया बहुत नुकसान करती है। पंखा हो गया हमारा साफ, तो आपको चला के दिखाती हूँ। देखा आपने पंखा मैंने साफ़ कर दिया। देते और साफ़ नहीं करके देते, धोखे नहीं देते, तो वो ख़ुद साफ़ कर। लोगों को पसंद आया हो मेरा आज का व्लॉग तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं और मुझे कमेंट्स करने के लिए मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आएँ। और मेरा आज का व्लॉगिंग आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, मेरी फ्रेंड को भी दुआ में याद रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।